नमस्कार दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसका चैप्टर है टोर्शन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट। आज हम लोग शाफ्ट की डिजाइन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप इन सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें और जो भी मैं समझाता हूं उसको भी ध्यान से सुनने की कोशिश करें। यदि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ, तो आप हमारी एबी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट को ज्वाइन कर लें। इसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसे करते हैं उसके लिए एबी क्लासेस के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है और उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के स्टार्टिंग में दे रखी है, तो उस वीडियो को जरूर देखें। अब चलते हैं, आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा और इस वीडियो के अंदर हमने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, बिल्कुल फॉर्मूले बेस। जैसा कि पहले क्वेश्चन में लिखा है, अ सर्कुलर शाफ्ट ऑफ 50 एमएम डायमीटर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट टॉर्क फ्रॉम वन शाफ्ट टू एनदर। मतलब यहां पर हमें टॉर्क को निकालना है और आगे लिखा है फाइंड द शेप टॉर्क विच द शाफ्ट कैन ट्रांसमिट इफ द शियर स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 40 मेगा पास्कल। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर डायमीटर के बने, डायमीटर के अलावा यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस है वाई के बने, और जैसा मैंने बताया टॉर्क को हमें फाइंड आउट करना है। तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मेरा तरीका है उसमें सबसे पहले हम जो भी डाटा गिवन है उसको नोट करेंगे। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ता, सॉल्यूशन, जिससे पता चल जाता चेक करने वाले को कि यहां से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। यहाँ पर लिखेंगे हम गिवन। गिवन लिखने के बाद हमें क्या करना है, जो डाटा गिवन है उसको नोट करना है। जैसे कि यहाँ पर डायमीटर ऑफ शाफ्ट दिया, तो आपको क्वेश्चन के अंदर डायमीटर ऑफ शाफ्ट लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिंबल यूज कर रहा हूँ जिससे कि समय थोड़ा सा बच जाए। तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट को हम कैपिटल डी से डिनोटेड करते हैं, तो कैपिटल डी लिख दूंगा मैं यहाँ पर, और 50 mm लिखा है तो 50 mm लिख देंगे। अब यहाँ पर एमएम में दिया है तो इसको इसकी यूनिट में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे कि सारा डाटा मैक्सिमम एमएम में लिखें। मीटर या सेंटीमीटर में दिया है तो उसको हम किस में चेंज कर लेंगे, एमएम में। जैसे कि नेक्स्ट जो डाटा दिया है यहाँ पर शियर स्ट्रेस दिया है, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं। इससे आप यहाँ पर शियर स्ट्रेस लिखेंगे, फिर कॉमा लिखेंगे, फिर टाउ लिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिंबल लिख रहा हूँ शियर स्ट्रेस का। सिंबल बना दिया है और आगे क्या लिखा, 40 मेगा पास्कल। अगर हमने डायमीटर एमएम में लिया है और जो हमारा शियर स्ट्रेस या कोई अदर स्ट्रेस मेगा पास्कल में दिया है, तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, तुरंत न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करेंगे। और कभी भी मेगा पास्कल लिखा हुआ है और उसको हमें न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करना है, तो सेम डाटा रहता है जो भी गिवन रहता है। तो यहाँ पर 40 गिवन है तो 40 रहेगा और इसको हम किस में न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज कर देंगे। और हमें टॉर्क निकालना है, जैसे कि यहां पर लिखा टॉर्क, लिखा फाइंड द शेप टॉर्क, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, टॉर्क को टी से, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इसमें हम क्या मार्क कर देंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ये सब लिखने के बाद जो भी डाटा हमें कैलकुलेट करना है उसको हम अच्छे से हेडिंग डाल के यहां पर लिखते हैं। तो यहां पर क्या लिखना हमें, शेप टॉर्क, एस ए एफ ई शेप टॉर्क, ऐसा मैंने यहां पर, कैपिटल जरूरी नहीं है लिखना, मैंने लिख दिया है यहां पर शेप टॉर्क लिख के ऐसा करके अंडरलाइन करना है। अब यहां पर डायरेक्ट जैसा मैंने बताया कि टॉर्क का फॉर्मूले आधारित क्वेश्चन है, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वह होता है टी इक्वल टू, इसको आप याद कर लें, पाई वाई 16, पाई बटे 16 इंटू टाऊ इंटू डी की पावर 3। इसको मैं थोड़ा और अच्छा बना देता हूं, डी की पावर 3। अब यहां पर देखेंगे फॉर्मूले के अंदर टी हमें निकालना है, टाउ मतलब शियर स्ट्रेस 40 मेगा पास्कल या 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर वैल्यू दी गई है, और डी की वैल्यू दी है 50 mm। इन सभी वैल्यू को हमें यहां पर पुट कर देना, तो यहां पर पाई बाई 16 की जगह पाई बाई 16 रहेगा, टाउ की जगह जो वैल्यू दी है 40 उसको लिख देंगे हम। याद रखें जो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में हमने लिखी है उसमें जो भी वैल्यू आएगी यहां पर वही रखेंगे, क्योंकि यहां से कन्वर्ट करके 40 आई तो 40 ही रख देंगे। और 40 मल्टीप्लाई यहां पर क्या दिया, 50 दिया है, तो
50 लिखकर हम क्या करेंगे उसका होल क्यूब चढ़ा देंगे। अब इस कैलकुलेटर से ये जो वैल्यू है वो एक बार में कैलकुलेट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? कैलकुलेटर के अंदर सबसे पहले हम 50 को टाइप करेंगे, फिर उसकी पावर 3 चढ़ा देंगे। पावर 3 चढ़ाने के बाद इक्वल का निशान दबाएंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट। उसके बाद उसका मल्टीप्लाई का निशान दबाएंगे, फिर 40 लिख देंगे। फिर 40 लिखने के बाद फिर से इक्वल दबाएंगे, फिर हम क्या करेंगे शिफ्ट दबाएंगे। शिफ्ट दबाने के बाद पाई वाला जो जहां पाई दिख रहा है उस बटन को दबा देंगे, फिर इक्वल दबाएंगे। जो भी वैल्यू आएगी उसमें फिर हम 16 से डिवाइड कर देंगे, फिर इक्वल दबाएंगे। फिर जो वैल्यू आ रही है वाई जो आ रही है वो मैं यहां पर लिख देता हूं 98174.70। ये जो आएगी वाई किस में आएगी? न्यूटन एमएम में आएगी। ये न्यूटन एमएम में क्यों आएगी? क्योंकि हम जानते हैं ये जो वैल्यू मैंने किस में रखी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में रखी, जबकि इसकी वैल्यू हमने किस में रखी एमएम में रखी। यहां पर आप देखेंगे तो ये जो एमएम स्क्वायर है और ये इसका क्यू एमएम स्क्वायर हो जाएगा, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा इसका ये न्यूटन बचेगा और एक एमएम बचेगा। अब याद रख के टॉर्क को हम कभी भी फाइनल आंसर में रखते हैं, याद रख के जो भी हम बोलते हैं उसको ध्यान से सुने, फाइनल आंसर में रखेंगे तो हम किस में रख देते हैं किलो न्यूटन मीटर में। किसमें? किलो न्यूटन मीटर में। तो कैसे परिवर्तन करते हैं किलो न्यूटन एमएम को ध्यान से समझे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं इसको न्यूटन मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखा है 98174.70। अब याद रखें एमएम से अगर मीटर में परिवर्तन करना है, किससे? एमएम से अगर मीटर में परिवर्तन करना है तो हम 1000 से क्या करते हैं भाग देते हैं। याद रखें एमएम से मीटर में परिवर्तन करना है तो 1000 से हम भाग देते हैं, तो एक किस में चेंज हो जाएगा न्यूटन मीटर में। अब इसका इसमें भाग देंगे तो जो वैल्यू आएगी, तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है इसकी वो आ रही 98174.77 ये हो जाएगी न्यूटन मीटर। अब हमें इसको किलो न्यूटन में बदलना है, किसमें? किलो न्यूटन में। तो किलो न्यूटन में बदलने के लिए फिर से हम 1000 का और भाग दे देंगे। आप डायरेक्ट यहीं पर 1000 × 1000 लिख सकते थे, लेकिन मैंने इसको दो बार आपको समझने के लिए इसलिए अलग अलग सेपरेट डिवाइड करके बता दिया, इससे आपको समझ में आ जाए। इसको हम क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे और जो किसमें चेंज हो जाएगा किलो न्यूटन मीटर में। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1000 का इसमें हम डिवाइड करेंगे तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही 0.982। इसको 2 कंप्लीट बना दिया, पीछे के डिजिट जो भी बने थे मैंने वो ये आ गया किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसी तरह एक और न्यूमेरिकल लिया हुआ है मैंने, उसको भी समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ सॉलिड स्टील शाफ्ट इज टू ट्रांसमिट अ टॉर्क, मतलब टॉर्क की वैल्यू यहां पर दी गई है 10 किलो न्यूटन मीटर। आगे लिखा इफ द शेयरिंग स्ट्रेस इज नॉट टू बी एक्सीड, और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू दी है 45 मेगापास्कल। आगे लिखा फाइंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, और यहां पर हमें डायमीटर को कैलकुलेट करना है। सॉल्व करने का तरीका वही रहता है, सबसे पहले हमें सॉल्यूशन लिखना है और जो डाटा गिवन है उसको नोट कर लेना है, और जो भी डाटा गिवन है उसके अंदर अगर यूनिट परिवर्तन हो रही है तो उसको भी परिवर्तन करके वहीं पर लिख लेना है। जैसे मैंने बताया सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशन लिख लेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या लिखना है गिवन जो भी डाटा है। अब हम देखेंगे यहां पर सबसे पहले जैसे मैंने बताया टॉर्क यहां पर गिवन है, तो मैं डायरेक्ट सिंबल का यूज करते हैं टॉर्क को टी से डिवाइड करते हैं। टी की जो वैल्यू दी हुआ है कितनी दी है 10 किलो न्यूटन मीटर। अब जैसा मैंने बताया न्यूमेरिकल में जो भी डाटा गिवन है उसको हम सबको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे एमएम में कन्वर्ट कर लेंगे, और किलो दिया है तो किलो को भी हटाते हैं, मैक्सिमम में हम किलो को हटा देंगे और जो हमारा मीटर दिया उसको एमएम में चेंज कर लेंगे। चेंज करने का तरीका देखें, हम इक्वल दबा रहे हैं यहां पर। सबसे पहले हम अगर किलो को हटाना है, किसको हटाना है किलो को, तो हम क्या करेंगे 10 जो वैल्यू है उसको लिख देंगे और 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 की पावर 3 का मतलब 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो मैंने किलो की जगह लिखा, अब हमें क्या करना है मीटर को भी किसमें चेंज करना है एमएम में चेंज करना है। तो मीटर को एमएम में चेंज करने के लिए भी हम 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। कितने का? 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया किलो को हटाने के लिए 10 की पावर 3 का एक बार मल्टीप्लाई किया, फिर मीटर को एमएम में चेंज करने के लिए फिर से 1000 का मल्टीप्लाई किया। ये चेंज किसमें हो गया आप न्यूटन एमएम में। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी 10 इंटू
ये दोनों घातें एक दूसरे मल्टीप्लाई होकर जुड़ जाएंगी तो तीन तीन छह हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगा और हमारी वैल्यू किसमें हो जाएगी, न्यूटन एमएम में। इस तरह हमने टॉर्क की वैल्यू किसमें निकाल ली, 10 × 10 की पावर 6 न्यूटन एमएम। आगे शियर स्ट्रेस दिया है, शियर स्ट्रेस क्या होता है, टाउ से हम इसको डिनोटेट करते हैं और ये दिया 45 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करने के लिए जो वैल्यू दी रहती है हमेशा उसी को लिख देते हैं। यहां पर कितने दिए 45, तो 45 क्या हो जाएगी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, डायमीटर निकालना, तो हम यहां पर क्या कर देंगे कैपिटल डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये डी क्या है, कैपिटल डायमीटर का सिंबल है। अब हमें फाइंड आउट करना है डायमीटर करना, तो हमें यहां पर सॉल्व करने से पहले जो फॉर्मूले यहां पर अप्लाई होते हैं, जैसे कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है, बकाया शियर स्ट्रेस का कोई फॉर्मूला नहीं होता, डायमीटर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इन इन सब में जो वैल्यू दी रहती है उसमें देखते हैं फॉर्मूला किसका होता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, तो हम यहां पर लिखते हैं कैसे लिखेंगे ऐसे क्वेश्चन में, वी नो बी नो दैट, आप चाहे तो यहां पर हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है तो डायमीटर भी ऐसा लिख सकते हैं, डायमीटर ऑफ शाफ्ट ऐसा लिख के सेमीकोलन लगा के अंडरलाइन करके लिख लें, जिससे पता रहे चेक करने वाले को कि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पर हमने क्या लिख दिया, डायमीटर ऑफ शाफ्ट हेडिंग डाल दिए, फिर नीचे लिखना वी नो दैट टॉर्क इक्वल टू क्या, टॉर्क मतलब कैपिटल टी इक्वल टू क्या होता है, ऊपर भी फॉर्मूला बताया था, पाई बाय 16 इंटू टाउ इंटू कैपिटल डी की पावर 3। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। अब इसके अंदर जो वैल्यू गिवन है उसको नोट कर लें, जैसे टी की वैल्यू क्या दिया 10 × 10 की पावर 6, हम यहां पर क्या लिख देंगे 10 × 10 की पावर 6 इक्वल पाई बाय 16 की जगह पाई बाय 16 रहेगा, और जो यहां पर शियर स्ट्रेस दिया हुआ दिया 45 दिया तो 45 लिख देंगे हम, डी हमें कैलकुलेट करना है तो डी की पावर 3 लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके रख लें, तो यहां पर जो देखेंगे तो 1 और 7 0 हो जाएंगे, कितनी 0 हो जाएंगे 7 0 हो जाएंगे। इसके अलावा यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे याद रखें, पहले इसको शिफ्ट दबा के पाई कैलकुलेटर के अंदर लाएं, फिर पाई में मल्टीप्लाई करें 45 का, मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल का बटन दबाएं, फिर जो वैल्यू आई उसमें 16 का डिवाइड कर दें, 16 का डिवाइड करने के बाद जो मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है वह आ रही है 8.836 ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है, और जो डी का मल्टीप्लाई है उसमें डी का मल्टीप्लाई कर देंगे डी क्यू। अब हमें डी क्यू वैल्यू वैल्यू निकालना है, तो डी क्यू एक साइड ले जाएंगे, इक्वल किस तरफ जो वैल्यू है उसको रख देंगे हम, और जो मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है वो नीचे जाती है तो हम नीचे रख देते हैं 8.836। और इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को कैलकुलेटर में टाइप करेंगे और नीचे वाली वैल्यू से भाग दे देंगे, तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो इसकी वैल्यू आ रही है वह आ रही है 11317.316 ये आ रही है। अब डी क्यू यहां पर दिया है लेकिन डी की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे ऐसा डी इक्वल कर देंगे, इधर जो रूट चढ़ता था उसकी जगह क्या है 3 इधर चढ़ जाएगा, कितना चढ़ जाएगा 3, और ये पूरी वैल्यू लिख देंगे हम, कितना लिख देंगे 11317.316। अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो कैलकुलेटर में आप देखेंगे ये वाला सिंबल दिया गया, जैसे आप क्या करेंगे शिफ्ट का बटन दबाएं, सबसे पहले शिफ्ट का बटन दबाएंगे, शिफ्ट का बटन दबाने के बाद जहां पर ये रूट का साइन बना हुआ है, कहां पर जहां पर रूट का साइन बना हुआ है, शिफ्ट दबाने के बाद रूट का साइन जो बटन होता है उसको दबा दें, उसको दबाएंगे तो कैलकुलेटर के अंदर इस तरह 3 चढ़ी हुई ये रूट के ऊपर दिखने लगेगी, फिर हम इस वैल्यू को टाइप कर देंगे, इस वैल्यू को टाइप करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग वह आ रहा है 104.21 mm। तो ये इस तरह हमारा क्या है डायमीटर और शाफ्ट जो निकालना था वो हमने निकाल के बता दिया। अब इसी तरह का एक और लास्ट न्यूमेरिकल लिया हुआ है मैंने, उसको भी आप जरूर समझें। ये लास्ट न्यूमेरिकल है आज का, इसमें लिखा हुआ है होलो शाफ्ट मतलब एक खोखली शाफ्ट दी गई ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर, मतलब जो बाहरी और अंदर के डायमीटर की डायमेंशन दी है, जैसे यहां दी 80 mm एंड 50 mm, तो जो बाहरी डायमीटर है एक्सटर्नल डायमीटर उसकी 80 mm दी है, इंटरनल डायमीटर की 50 mm वैल्यू दी है। इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट टॉर्क
फ्रॉम वन एंड टू एनदर। व्हाट इज द शेप टॉर्क, इसके अंदर भी टॉर्क की वैल्यू पूछ रहा है। इट कैन ट्रांसमिट इफ द अलाउबल शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस की वैल्यू दी 45 मेगा पास्कल, मतलब 45 मेगा पास्कल इसकी वैल्यू दी है। तो उसी तरह जो ऊपर की न्यूमेरिकल सॉल्व की उसी तरह इसको करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मूले में परिवर्तन होगा क्योंकि यहाँ पर कौन सी शाफ्ट है, होलो शाफ्ट है। चलते सबसे पहले डाटा के बारे में उसको नोट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हर बार की तरह सॉल्यूशन लिख लेंगे। यहां पर सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, जो भी डाटा के बारे में उसको नोट करेंगे। अब याद रखें हम सिंबल यूज करते हैं, तो एक्सटर्नल डायमीटर किसके लिए, एक्सटर्नल डायमीटर के लिए हम कैपिटल डी से डोटेट करेंगे। तो एक्सटर्नल डायमीटर की वैल्यू दी है 80 mm दी है, मतलब हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, एमएम में वैल्यू दी गई है। और इंटरनल डायमीटर को हम स्मॉल से डोटेट, स्मॉल डी से डोटेट करते हैं, तो यह कितनी थी 50 mm, तो 50 mm लिखिए। कई जगह D1 D2 से भी डोटेट करते हैं, तो याद रखें यहाँ पर घबराना नहीं है, एक्सटर्नल डायमीटर है तो हम यहाँ पर कैपिटल डी से डोनेट करते हैं, किसी से भी डोनेट करते हैं, हमें एक्सटर्नल डायमीटर ये याद होना चाहिए कि एक्सटर्नल डायमीटर अधिक होता है और इंटरनल डायमीटर कम होता है। तो स्मॉल डी इक्वल टू हमने ये लिख दिया इंटरनल डायमीटर, तो याद रहेगा एक्सटर्नल डायमीटर की जो अधिक वैल्यू होगी उसको जिससे भी आप डोनेट करेंगे याद रखेंगे कि वह अधिक होती है और इंटरनल डायमीटर की वैल्यू कम होती है। इसके अलावा जो वैल्यू दी है देखो यहाँ पर शियर स्ट्रेस की दी है, और शियर स्ट्रेस को हम टाउ से डोनेट कर सकते, किससे, टाउ से। इस तरह का बनता है और 45 मेगा पास्कल में वैल्यू दी है, और इसको हम किस में चेंज करते हैं, हमेशा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दी है एमएम में दी है, इसको भी हम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। तो 45 मेगा पास्कल को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करेंगे तो जो वैल्यू दी है वही सेम की सेम रहती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब इसके बाद जो डाटा जो हमें फाइंड आउट करना हुआ है टॉर्क, तो टी इक्वल टू हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सॉल्व करना बहुत आसान है, सबसे पहले जो हमें निकालना है शेप टॉर्क, उसको यहां पर लिख देता हूं मैं शेप टॉर्क, और हेडिंग डाल के ऐसा अच्छे से सेमीकोलन लगा के लिख दें, जिससे चेक करने वाले को पता रहा कि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर यहां पर अच्छे से लिखेंगे वी नो दैट टॉर्क टी इक्वल टू, अब जो फॉर्मूला होता है उसको याद रखें, पाई बाई 16 की जगह पाई बाई 16 ही होता है और टाउ की जगह टाउ ही होता है। क्या होता है, पाई बाई 16 इंटू टाउ, अब टाउ की टाउ जगह, अब जो परिवर्तन होता है फॉर्मूले में उसको आपको याद रखना है, किसके लिए जी, स्पेशल होलो शाफ्ट के लिए, ऐसा बड़ा ब्रैकेट लगाना हमें। और हमारा क्या होता है, जो कैपिटल डी है उसकी पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4 बटे ओनली कैपिटल डी। फिर से समझ लें, जो होलो शाफ्ट है या खोखली शाफ्ट है उसके लिए जो फॉर्मूला बनता है टॉर्क का, पाई बाय 16 इंटू, मतलब पाई बटे 16 इंटू टाउ, मतलब शियर स्ट्रेस, फिर इंटू बड़ा ब्रैकेट लगा दें, और जो एक्सटर्नल डायमीटर, कौन सा एक्सटर्नल डायमीटर है, बाहरी डायमीटर है, उसकी पावर 4 माइनस जो इंटरनल डायमीटर है, जो अंदर आंतरिक डायमीटर है, उसकी पावर 4 बटे एक्सटर्नल डायमीटर। अब हमें सीधी डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, तो कैसे पुट करेंगे, यहां पर आप देखते जाएं, पाई बटे 16 इंटू टाउ की वैल्यू दी है, कितनी दी, 45 दी है, तो हम यहां पर कितना लिख देंगे, 45, और फिर मल्टीप्लाई करके बड़ा ब्रैकेट चालू करेंगे। आप ध्यान से दें, यहां डी कितनी दी है, कैपिटल डी 80 दी है, तो हम क्या करेंगे, 80 लिख के हम क्या करेंगे, उसकी पावर ऐसा ब्रैकेट लगाए 4 चढ़ा देंगे, माइनस स्मॉल डी 50 दिया है, तो यहां पर भी हम 50 लिख के उसकी पावर 4 चढ़ा देंगे, बटे हम कितना कितना लिखना, कैपिटल डी लिखना, मतलब 80 लिख देना, इसको बंद कर देंगे। अब इसको स्टेप टू स्टेप सॉल्व करें, जैसे मैं यहां पर करता जा रहा हूं, ये पाई है, इस पाई बटे 16 अगर हम वैल्यू निकालेंगे जो भी निकलेगी उसमें हम क्या करेंगे, 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे, शिफ्ट दबा के पाई दबाएं, पाई वाला साइन दबाएं, इसके बाद उसमें 16 का डिवाइड कर दें, फिर इक्वल करके 45 का मल्टीप्लाई कर दें, तो जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आ रही 8.836 ये आ रही है। फिर मल्टीप्लाई में इधर की जो वैल्यू निकाल रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप करें, सबसे पहले 80 की पावर 4 निकाल के रखें, तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वह आ रही है 4096 12340। फिर से फिर माइनस इस तरह 50 को हम जब 50 की पावर 4 कर रहे हैं तो आ रही 625 और 40, फिर बटे में 80 की जगह हम 80 लिख देंगे,
यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 80 दिया है तो 80 जगह 80 लिख। अब इसको हम एक बार में सॉल्व कर सकते हैं। एक बार में कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वैल्यू में से इसको माइनस कर देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें 80 का डिवाइड कर देंगे। 80 के डिवाइड करने के बाद फिर जो वैल्यू आएगी उसमें हम सीधी इस वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी वह आ रही है 38337190.5 और किसमें आएगी, न्यूटन एमएम में आएगी। ये न्यूटन एमएम में क्यों आएगी, क्योंकि यहां पर हमने इसकी वैल्यू न्यूटन में रखी और सारी वैल्यू एमएम में रखी, और टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। क्या होती है, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो हमें इसको न्यूटन मीटर में या फिर किलो न्यूटन मीटर में चेंज करना है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, टी इज इक्वल टू जो वैल्यू है उसको लिखेंगे 38337190.5। अब याद रखें, हमने ऊपर समझा चुके थे स्टेप बाय स्टेप, न्यूटन एमएम को न्यूटन मीटर में चेंज करने के लिए, मतलब यहां पर न्यूटन लिखा है और जो एमएम लिखा है इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। किसमें, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा न्यूटन मीटर में चेंज हो जाएगा। अब हमें किलो भी लाना, तो किलो के लिए भी हम क्या करते हैं, 1000 का डिवाइड करते हैं। तो 1000 का डिवाइड और कर देते हैं तो ये इस किस में आ जाएगा, किलो में। इस तरह किलो न्यूटन मीटर बन जाएगा। हमने क्या किया, किलो के लिए 1000 का डिवाइड कर दिया और एमएम से मीटर में चेंज करने के लिए भी 1000 से डिवाइड कर दिया। तो दोनों का अब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वह आ रहा है 3.83। आपसे थोड़ा लिख देता हूं, थोड़ा 3.83 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल, तीनों न्यूमेरिकल थे, फॉर्मूले बेस्ड। इसका पर्पस था आपको फॉर्मूले भी याद हो जाए, जिससे थोड़े आगे एडवांस जब प्रॉब्लम हम सॉल्व करवाएंगे तो वह आपको अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू फ्रेंड्स।